हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हेल्दी लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 5 उपाय बालों से रूसी को हटाने के लिए, यानी 5 टिप्स फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। डैंड्रफ वैसे तो एक सामान्य समस्या है दोस्तों, लेकिन लगातार लंबे समय तक डैंड्रफ का बने रहना बालों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कई बार ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसे में अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने पर भी कोई असर नहीं होता। यदि आप भी कई तरह के हेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग करके परेशान हो चुके हैं लेकिन डैंड्रफ जाने का नाम नहीं ले रहा, तो आगे बताए गए टिप्स को ज़रूर ट्राई करके देखें। उम्मीद है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये टिप्स यूज़ करने से डैंड्रफ से आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों। पहले ना हम डैंड्रफ होने के कुछ कारण देखते हैं। पहला है बालों की ठीक तरह से सफाई न करना। दूसरा, बालों को सही पोषण न मिलना। बालों में तेल न लगाना। अधिक तनाव या पसीने के कारण भी ये समस्या पनप सकती है। सीबम यानी ऑयली सब्सटेंस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों के ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है दोस्तों। लास्ट है, कम पानी पीने या फिर भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी डैंड्रफ हो सकता है। तो ये सारे मेन रीज़न है डैंड्रफ के दोस्तों। आप इन रीजन्स के ऊपर भी ध्यान देंगे और आगे बताई जाने वाली होम रेमिडीज भी अप्लाई करेंगे ना, तो पक्का आपका डैंड्रफ चला जाएगा। चलिए फिर डैंड्रफ को दूर करने के इजी होम रेमेडीज देखते हैं। रूसी हटाने के लिए आपको चाहिए थोड़े से नीम के पत्ते। 10-15 नीम के पत्ते आप ले सकते हैं। ये पत्तों को आप थोड़ा सा पानी गर्म करके 4-5 कप गर्म पानी में रात भर भिगोकर रख। इसके बाद अगले दिन सुबह नहाने से पहले 1 घंटा इस पानी को छानकर बालों के जड़ों में अच्छी तरह से लगाकर छोड़ दे। थोड़ी देर बाद पानी से सिर को अच्छी तरह से धो ले। इससे आपको ज़रूर फर्क देखने में आएगा दोस्तों। आपका डैंड्रफ ज़रूर कम हो जाएगा, ट्राई करके देखना। दूसरा है, आपकी रसोई में आसानी से मिल जाने वाली मेथी। जी दोस्तों, मेथी दाना आपके बालों के लिए एक वरदान है। मेथी प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का मूल स्रोत होता है, जो बालों के विकास और रूसी को होने से रोकने में मदद करता है। मेथी के इस्तेमाल करने से आपके बाल रेशमी और डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। 1 कप पानी में 1 या 2 स्पून मेथी के कुछ दाने रात भर भिगोकर रखिए। इसके बाद सुबह होते ही मेथी के दानों को छानकर पीस ले। मेथी के इस पेस्ट को अपने सिर पर अच्छी तरह लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दे। थोड़ी देर बाद आप अपने बालों को साफ पानी से धो ले। ये टिप भी दोस्तों आपके बालों को शाइनी, हेल्दी और डैंड्रफ फ्री बनाएगी। तीसरा है नींबू। नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड एक बेहतरीन क्लींजर होता है। हफ्ते में 2 बार नींबू स्कैल्प पर रगड़ने से बालों की रूसी दूर हो जाएगी। आप नींबू का इस्तेमाल करने से जो छिलका बाहर फेंकते हैं उसे न फेंके, यानी वो नींबू जिसका रस आपने ऑलरेडी यूज़ किया है वो नींबू को आप स्कैल्प पर रगड़ कर देखें। इससे भी आपको ज़रूर फायदा होगा। या फिर नींबू को आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू रस में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ होती है। 1 कॉटन बॉल ले, इसे नींबू के रस में भिगोकर आप अपने स्कैल्प पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर पानी से धो ले। ऐसे हफ्ते में 1-2 बार करें और डैंड्रफ को हटाइए। अगर ये दोनों टिप्स आप किसी वजह से नहीं यूज़ कर सकते तो एक और तरीका है दोस्तों। थोड़े से नींबू के रस में नारियल तेल को मिलाकर आप अपने बालों में लगाइए। जी हाँ, रात में इस तेल को लगाइए जिसमें नींबू का रस मिला हुआ हो, और आप दूसरे दिन सुबह
अपने बाल को धो सकते हैं, या फिर आप 2 घंटे के बाद भी अपने बालों को धो सकते हैं। ये टिप्स यूज करने से भी दोस्तों आपको अपने रुसी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन है दही यानी कि कड़। दही से सिर की त्वचा पर मसाज करने से भी खुजली दूर होती है, इससे बालों में चमक आती है। सिर की सफाई भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि गंदगी से खुजली हो सकती है। दही में आप बेसन घोलकर बालों की जड़ों में लगाइए, 1 घंटे के बाद अपने बालों को धो ले, इससे बालों की चमक लौट आएगी, रूसी की समस्या से भी निजात मिलेगा। दूसरा ऑप्शन दही का यूज़ करने का ये है कि 1 चम्मच दही ले आप, 1 चम्मच नींबू का रस इसमें मिलाइए और 1 चम्मच आंवला चूर्ण इसमें मिलाइए। इन सभी चीज़ों को मिलाकर करीब 2 घंटे रखे रहने दें, उसके बाद बालों पर लगाइए। 1 घंटे बाद बाल धो ले, इससे भी बाल मुलायम और काले होंगे और डैंड्रफ भी साफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि नारियल तेल और बादाम तेल, ये दोनों तेल बहुत यूजफुल है दोस्तों डैंड्रफ को नेचुरली दूर करने के लिए। कई बार खुजली का कारण स्कैल्प का सूखापन होता है, नारियल का तेल स्कैल्प के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइजर होता है दोस्तों। आप नारियल तेल को थोड़ा सा गर्म करें और सिर में मसाज करें। बादाम का तेल आपके बालों की बेहतर सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, यह विटामिन ई, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल से भरपूर होता है, जो बालों को सेहतमंद रहने में मदद करता है। स्कैल्प में धूल, मिट्टी और गंदगी जमा होने की वजह से भी खुजली और जलन की समस्या होने लगती है। कई बार इसकी वजह से स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो जाता है, लेकिन बादाम का तेल इसके लिए बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होता है, जो संक्रमण रोकने में मददगार होता है। इससे बाल हेल्दी और डैंड्रफ से फ्री होते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ इजी और बिल्कुल सिंपल होम रेमेडीज डैंड्रफ फ्री हेयर के लिए। जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।